उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुसने के काफी क्षति हुई है। तमाम जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुए हैं। ऐसे में टिहरी जनपद में भारी बरसात के चलते लोगों को सुरक्षित व सतर्क रहने को लेकर व सड़कों की बदहाल स्थिति पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से TNN उत्तराखंड न्यूज की खास बातचीत। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, सुनिए आप भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूरी। टिहरी गढ़वाल के नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी, जैसे ही उन्होंने अपना पदभार संभाला वैसे ही उनके सामने दो मुख्य जो चुनौतियां हैं, कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सफल संपन्न करवाने की और दूसरा जो है बरसाती मौसम में लोगों को राहत पहुंचाने की। सर, वैसे तो आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नया कार्यक्षेत्र है, किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? देखिए, बिल्कुल मानसून पीरियड चल ही रहा है और लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे जनपद में, पूरे राज्य में जगह जगह रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट घोषित है। तो उसको देखते हुए जनपद की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, काफ़ी जैसे कि 9 ब्लॉक हैं, काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र भी हैं और काफ़ी दूर दूर तक बसावटें भी हैं, तो उसको देखते हुए सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी तहसीलों को सतर्क किया गया है और कांवड़ यात्रा भी साथ ही में चल रही है, जैसा आपने भी बताया। और कांवड़ यात्रा का जब मैंने निरीक्षण किया था नीचे एरियाज़ में, जो जहाँ जहाँ से भी मूवमेंट होता है वहाँ पर कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और हमारी जो नॉर्मल रूटीन की जो लाइफ चल रही है, आम नागरिकों को भी कोई परेशानी ना हो, उस बारे में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और लगातार बारिश की वजह से कई हमारे मार्ग बार बार बंद भी हो रहे हैं, पत्थर गिरने की घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें बचाव, पूरा बचाव करते हुए कैसे हम लोग कांवड़ यात्रा को भी संचालित कर रहे हैं, चारधाम यात्रा को भी संचालित कर सकें और हमारी सभी एक्टिविटीज चलती रहें, इस पर पूरा फोकस है। सर, जिस तरीके से टिहरी जनपद की मैं बात करूं तो सड़कों के हाल बुरे हैं, पहले से ही जो है सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं और पानी जो है, जो बरसात का पानी है वो लगातार इकट्ठा, उसके लिए अधिकारियों को क्या निर्देश है सर? देखिए, एक रिव्यू मैंने किया था जिसमें पता चला कि कई ऐसे आंतरिक मार्ग हैं, ग्रामीण मार्ग हैं या PMJSY PLD की रोड्स हैं जो अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। उसके लिए डिपार्टमेंट्स और SDM से रिपोर्ट मांगी जा रही है और जैसे ही थोड़ा सा भी मौसम ठीक होगा उनको भी रोड्स को रिपेयर करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सर, सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के पास, सबसे पहली बात ये, जो जिला मुख्यालय की अपनी सड़कें हैं उनके जो है बुरे हाल हैं। सर, बोराड़ी की ले लीजिए आप, नईटरी शहर की ले लीजिए, तो ये जो सड़कें हैं इनकी बहुत बुरी हालत है। देखिए, शहर की जो आंतरिक सड़कें हैं उसके बारे में नगर पालिका के साथ मेरी मीटिंग हुई है और उनके पास कुछ फंड्स की अवेलेबिलिटी का इशू उन्होंने बताया है, जिसको लेकर मैं अभी 15 तारीख का पुनः उनके साथ बैठूंगा और जो भी रास्ता निकल सकता है आंतरिक सड़कों को तत्काल ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। सर, अधिकारियों की जो लेट लतीफ़ी सामने आती है कई बार, उसको लेकर के अगर कोई अधिकारी इस तरीके की जो लेट लतीफ़ी दिखाता है तो उसके लिए क्या है सर? देखिए, सभी को कल ब्रीफ कर दिया गया है, जिला सेक्रेटरी को कल बैठक ली गई थी और उसमें बताया गया है कि सभी अधिकारी बिना बताए अपना काम खुद करें, ओनरशिप लें कार्य की, हर चीज़ के लिए डायरेक्शन जिले से दिया जाएगा, शासन से दिया जाएगा, ये सही नहीं है। सभी अधिकारी सरकारी सेवक हैं और लोगों के लिए ही हम लोग की नियुक्ति की गई कि लोगों के लिए हम लोग कार्य करें, तो लोगों को कल समझाया गया है और इसके बाद भी अगर कोई भी शिकायत मिलती है किसी अधिकारी कर्मचारी की कि वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी और उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं भी जो है कोई भी लापरवाही, किसी भी तरीके की लापरवाही बरती नहीं जाएगी और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं इस कांवड़ यात्रा को लेकर के। चाहे ये मानसून अभी चल रहा है, बरसाती सीजन चल रहा है, तो उसको लेकर के भी जो है सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।